नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम विधि विधान चैनल न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने रूबरू हो रहे हैं। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसी के तारतम्य में हम आपसे कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। बीमारों की सहायता करना, हेल्प करना, उनको जो नियम है वो फॉलो करवाना, वो सिखाना, ये हमारा काम होना चाहिए, ना कि उनसे नफरत। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। सबसे पहली बात, आपको जहां कहीं भी इस प्रकार का कोई शख्स, कोई व्यक्ति दिखे तो आप उसको नियम बताइए और उसकी मदद करिए तहे दिल से, जैसी भी आपसे बन सके। तो ये कार्य इस समय वर्तमान में बहुत जरूरी है। उनसे नफरत नहीं करना किसी बीमार से, अपने मोहल्ले में, पड़ोस में उनको नियम बताइए, उनको वो नियम फॉलो करवाइए, जिससे उनका आत्मबल बढ़े। आप यदि किसी की मदद करेंगे निस्वार्थ, तो आपका स्वयं का भी आत्मबल बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोरोना से हम लोग नहीं लड़ सके। जिसकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, उसको कोरोना हो भी जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा, ठीक हो जाता है उसका, ये मेरा दावा। लेकिन उसको इम्यूनिटी को बढ़ाना अपने ऊपर है। ये बिल्कुल पक्की बात है कि जिसकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, उसको कोरोना हो भी रहा है और वो ठीक भी हो रहा है, उसको ही पता नहीं। वो जब डॉक्टर के पास जाता है किसी कारण से, तब उसको समझ में आता, वो डॉक्टर बताते कि आपने तो कोरोना को हरा दिया, क्या कारण। बस उसके पास एक ही शब्द रहता है कि मैं इन चीजों को मन में नहीं लेता, मैं अपने आत्मबल से इन समस्याओं को लड़ता हूं, उनको हरा देता हूं। तो हो सकता है कि इसी आत्मबल के कारण कोरोना भी मुझसे हार गया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अपने को बार बार ये बोल रहे हैं कि बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनकी मदद करना है। कोई पैदल चलकर अपने घर पहुंचना चाहता है हजारों किलोमीटर दूर, तो आपको यदि वो दिखता है, मिलता है, तो उसकी हर प्रकार से मदद करें। दूर रहकर उसको बताएं कि मास्क लगाना है, हाथ भी धोना है, यदि उस पर कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो तो उसको उस प्रकार की व्यवस्था मुहैया करवाइए। ये सब अपने को अपने साथ रहने वाले जो बीमार हैं उनकी मदद करना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आत्मबल से हम उसको जीत सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। उसी तहत एक आध्यात्मिक और फिर धार्मिक बात भी आ जाती है बीच में, कि हम किस प्रकार से अपने आत्मबल को बढ़ाएं। अपनी सोच बदलेंगे तो आत्मबल अपना बढ़ जाएगा। प्रतिदिन आप ये सोचोगे कि यार मैं, मेरे सामने समस्या कुछ नहीं है, सब नगण्य है, तो आपका अंदर से आत्मबल इतना बढ़ेगा कि हकीकत में एक दिन आप किसी भी समस्या से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। उसी तहत मैंने आपसे एक बार बोला था कि या तो हनुमान चालीसा हो या बजरंग बाण हो, इसको आप करिएगा। बजरंग बाण बहुत ही सशक्त और शक्तिशाली, जैसा नाम है बजरंग बाण, वो बाण के जैसा ही कार्य करता है। आप यदि उसका विधि विधान से संकल्पित करके उस कार्य को करेंगे, आपकी इम्यूनिटी 100% बढ़ेगी और आप किसी भी बीमारी, किसी रोग, किसी दोष से आप लड़ सकेंगे और आप उससे जीत भी सकेंगे। ये मेरा आज का कहना है। नमस्कार, राम राम।